नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन एंड करेज का काम करता है, तो हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जी। क्या अपडेट है पूरी पूरी बताएंगे। हाई कोर्ट के चेयरमैन एजी श्रुति का बयान, कल क्या हुआ था और आगे क्या होगा, 17,500 का डाटा लिस्ट और ग्रुप सीईटी ग्रुप सी कब सुनवाई और कब होगा पेपर, पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। यहां पर देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट से अपील दायर करने के लिए समय मांगा है और ग्रुप सी के पेपर होने में फिर से हुई देरी। आयोग ने 16 अपीलें दायर करने के लिए समय मांगा। पहली अपील की प्रोसेसिंग फीस जमा कराने में हुई लापरवाही, तो लापरवाही भी कह सकते हैं। तो ये देख सकते हो भी सरासर बच्चों के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है, भी पेपर भी एक्सटेंड लेट हो रहे हैं आगे से आगे। तो फीस ये स्कूल या कॉलेज की नहीं थी, ये सिर्फ केस की फीस थी जो पहले ही HSSC जमा करवा सकता था, फीस जमा करवाने में भी लापरवाही कर दी है। और ग्रुप सी पदों के 62 ग्रुपों के उम्मीदवारों को झटका, कब सुनवाई होगी, कब पेपर होंगे, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पूरी अपडेट बताएंगे, कोई भी स्किप ना करे, ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हो नए दलीलें दायर हुई, नए प्रोसेसिंग फीस जमा हुई। तो ये तय तारीख 1 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई हुई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग सभी केसों में अलग अलग अपीलें दायर करेगा। अभी एक अपील दायर की हुई है और बाकी बची शेष और 16 और अपीलें दायर करनी होनी है, ठीक है। और ये अपीलें अगले सप्ताह दायर हो जाएंगी, इसलिए आयोग ने को समय दिया जाएगा। खंडपीठ ने केस फाइल देखने के बाद सरकारी वकील से कहा कि पहले जो एक अपील दायर हुई उसमें भी प्रोसेसिंग फीस अभी तक जमा नहीं हुई है, इसलिए प्रतिवादी गण को नोटिस डिलीवर नहीं हो सका। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह प्रोसेसिंग फीस भी जमा करा दी जाएगी। प्रतिवादी गण के एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने पूछने पर दैनिक सवेरा को बताया कि चूंकि प्रतिवादी गण को नोटिस रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अपीलकर्ता आयोग ने प्रोसेसिंग फीस ही जमा नहीं करवाई, ठीक है, HSSC ने, तो इसलिए प्रतिवादी नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि खंडपीठ ने शुक्रवार को फिर से नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने यह भी कहा है कि हर केस में की अपील दायर करनी है, इसलिए समय दे दिया जाए। अब खंडपीठ अगली सुनवाई तारीख घोषित करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तब तक कोई पेपर नहीं हो सकेगा जब तक आप फीस जमा नहीं करवाओगे। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने दैनिक सवेरा के पूछने पर कहा कि आयोग की तरफ से सिंगल अपील दायर करनी है, इसलिए अदालत से समय मांगा है। ये अपीलें अगले सप्ताह दायर हो जाएंगी। प्रोसेसिव फीस ना जमा कराए जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अगर फीस जमा नहीं हुई तो फीस जमा करा दी जाएगी। तो इसमें आयोग की मदद एडवोकेट जनरल कार्यालय का स्टाफ करता है। उन्होंने कहा कि पहली अपील की कॉपी प्रतिवादी गण को एडवोकेट जनरल कार्यालय में भेज दी गई है और उन्होंने कहा कि आयोग चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि बचे हुए ग्रुपों के पेपर भी लिए जा सकते हैं। देख सकते हो ये सरासर लापरवाही ही हुई है। तो अभी तक एक अपील हुई, उसका भी अभी तक कोई इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई टाइम पर, अभी तो 16 अपीलें और होनी बाकी हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक और लापरवाही शुक्रवार को फिर उजागर हुई। ग्रुप सी के लिए सीटी स्कोर रद्द कर संशोधित स्कोर की जारी करने के लिए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर शुक्रवार को सुनवाई होनी तय थी जो कल होनी थी। सिंगल बेंच ने 17 याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया था, मगर आयोग ने आधी रात में 17 में से एक केस में अपील दायर की थी।
जिस पर अगले दिन सुबह सुनवाई हुई थी। डबल बेंच ने अपील की सुनवाई करते समय ग्रुप 56-57 के पेपर लेने की अनुमति दे दी थी, मगर रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। ठीक है जी, तो हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते समय प्रतिवादीगण को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए 1 सितंबर 2023 को सुनवाई तय की थी। क्योंकि सिंगल बेंच ने सीटी स्कोर को रद्द कर दिया था और अपील में डबल बेंच ने सिर्फ 56 और 57 का पेपर लेने की अनुमति दी थी, इसलिए शेष बचे 62 ग्रुपों के पेपर लेने का शेड्यूल जारी नहीं हो सका। इन ग्रुपों के संभावित उम्मीदवारों का 1 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निगाहें टिकी हुई थी। सभी को लग रहा था कि आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दायर हो जाएगा और जवाब प्रतिवादीगण भी जवाब दे देंगे और हाईकोर्ट बचे शेष ग्रुपों के पेपर के बारे में कोई अंतरिम आदेश जारी कर देगा। अभ्यर्थियों को भी उम्मीद थी कि पेपर का शेड्यूल जारी करने की अनुमति मिल जाएगी, बट एक्चुअली में बात ये थी भी इन्होंने फीस ही जमा नहीं करवाई। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने नाराजगी भी जताई है, तो क्या नाराजगी है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। यह महत्वपूर्ण केस है क्योंकि ग्रुप 56-57 में 41 सवाल रिपीट होने से सरकार और HSSC की हुई किरकिरी हुई है। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया हुआ है, इसलिए सुनवाई से एक दिन पहले 31 अगस्त की शाम एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने आयोग के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एडवोकेट जनरल के अलावा आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री और अन्य थे, साथ ही में सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल भी थी। और जब AG ने अन्य अपीलें दायर होने से बारे में पूछा तो आयोग की तरफ से बताया गया कि अपीलें दायर नहीं हुई क्योंकि एक एक अपील में 500-500 पेज हैं, स्कैनिंग होने में समय लग रहा है और अगले सप्ताह तक यह अपीलें दायर हो जाएंगी। इस पर एडवोकेट जनरल ने काफ़ी नाराजगी जताई क्योंकि पिछली सुनवाई गत 5 अगस्त को हुई थी और अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी थी, तो बीच में 25 दिन का समय बकाया था, तो मीटिंग वहीं समाप्त हो गई। उधर प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की प्रक्रिया की जानकारी में खुलासा हुआ कि यह लापरवाही आयोग की तरफ से है। आयोग के स्टाफ को एडवोकेट जनरल कार्यालय के स्टाफ के साथ मिलकर यह प्रोसेसिंग फीस केस दायर होने के तुरंत बाद जमा करानी होती है ताकि प्रतिवादीगण को याचिका के प्रति और नोटिस ऑफ मोशन का नोटिस डिलीवर हो सके। आयोग के स्टाफ ने यह फीस भी जमा नहीं कराई और इससे पेपर होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में और मासूमी मायूसी और नाराजगी हुई है। आपको पता बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है जी, अगर HSSC फीस जमा करवा देता तो ये मुद्दा ना उठता। विपक्ष भी इसको मुद्दे को लेकर बैठा है, 62 ग्रुपों के भी निगाहें इसी पर टिकी हैं, नज़रें टिकी हुई हैं। तो HSSC अगर फीस जमा करवा देता प्रोसेसिंग की तो ये सुनवाई कल हो जाती, पेपर की अनुमति भी मिल जाती, बट HSSC ने ऐसा नहीं किया, इग्नोर कर दिया है। तो पहली पिछली सुनवाई 5 अगस्त को हुई थी, अब होनी थी 1 सितंबर को, 25 दिन बीच में थे और ये कह रहे हैं जी एक एक सुनवाई एक एक अपील दायर करने में 500-500 पेजेस थे। तो भाई 25 दिन में 500-500 पेजेस नहीं होते, तो ये सरासर देख सकते हो HSSC की एक और लापरवाही सामने आई है जो कि आपके सामने हम शेयर कर दी हमने। तो अभी तक नेक्स्ट सुनवाई कब आती है देखते हैं, इसमें अभी फीस जमा करवाएंगे उसके बाद ही सुनवाई की डेट फिक्स होगी, फिर क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि अब ये पेपर अगले वीक 19-20 को होने की संभावना थी, बट वो भी संभावना नकारात्मक तौर पर देखने को मिल रही है। उम्मीद है अभी ये अक्टूबर भी पार कर सकता है। ठीक है जी, जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपके सामने हमने एक और आयोग की लापरवाही शेयर की है, तो उम्मीद करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।